नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। आज का टॉपिक आपके लिए काफी खास, काफी इंपॉर्टेंट है और आप सबको ध्यान में होगा कि सिलेबस में अलग से इन्होंने फिट इंडिया के बारे में बात की है। तो इस वीडियो में हम फिट इंडिया को तीन हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में मिलेगा आपको एक सवाल जो कि इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप जरूर सवाल का जवाब दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे ज्यादा धन्यवाद उन सभी कैंडिडेट्स का जिन्होंने एक अच्छी पार्टिसिपेशन पिछली वीडियोस में की है, क्योंकि पार्टिसिपेशन मस्ट है, क्योंकि वीडियोस भी आपके लिए है, कंटेंट भी आपके लिए है। तो जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन, सहयोग आप देंगे, उतना ज्यादा चीजें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। दूसरा, मैं यहां पर बात करूंगी आपके पीडीएफ के डाउनलोड को लेकर के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहां पर बीट द कॉम्पिटिशन का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप ये समझ पाए कि आपको क्या क्या जानना इंपॉर्टेंट है फिट इंडिया को लेकर के। तो हम समझेंगे सबसे पहले कि फिट इंडिया है क्या, दूसरा हम समझेंगे कि इसकी नीड क्या थी, तीसरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि WHO का इसके बारे में क्या कहना है, और सबसे आखिर में हम जानेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्मेशंस किस तरीके से बनती हैं। अगर पेपर में सवाल आपको आते हैं तो आप किस किस तरीके के सवालों का जो है फॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे कि भाई ये सवाल यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्मेशन को हम शुरू से ही चलते देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चार भागों में आज हम फिट इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड आपको नजर आ रही है, हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन की कि भाई यहाँ पर जरूरत क्या थी फिट इंडिया मूवमेंट की। तो फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, यहाँ पर जो इसका जो टैगलाइन है इसको ध्यान में रखिएगा। पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फिट इंडिया मूवमेंट का टैगलाइन क्या है। तो क्या टैगलाइन है, अर्ज पीपल टू स्टे हेल्दी, यानी लोगों से गुजारिश करना कि वो स्वस्थ रहें, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब इसकी जरूरत क्या है, तो अ हेल्दी इंडिविजुअल, अ हेल्दी फैमिली एंड हेल्दी सोसाइटी, यानी तीन लोगों के बारे में यहाँ पर बात की गई है फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के। एक व्यक्तिगत जो फिटनेस होती है, हेल्दी फैमिली के बारे में बात करके, और एक सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। कह रहे हैं कि फिट इंडिया, न्यू इंडिया, अब फिट इंडिया बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद को स्वस्थ रखें। और साथ में कह रहे हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प अभियान होगा और यह हर किसी का आंदोलन होगा। यानी कि भाई फिट रहने की जरूरत तो हर किसी को, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो किसी भी फैमिली से हो, किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात की जा रही है। फिट रहना सबके लिए जरूरी है। दूसरा, हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें जरूरत क्या थी। अगर हम नीड की बात करते हैं, कब शुरू किया गया फिट इंडिया के मूवमेंट की जब हम बात करते हैं, तो इसकी आवश्यकता के बारे में इंट्रोडक्शन में हम आगे जानते हुए ये समझते हैं नंबर दो पे कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब, नेशनल स्पोर्ट्स डे में लॉन्च किया था किसको, फिट इंडिया मूवमेंट को एज द पीपल मूवमेंट, जिसको क्या समझ करके लॉन्च किया गया कि ये केवल एक देश का मूवमेंट नहीं है, ये लोगों का मूवमेंट है, क्योंकि देश किससे जुड़ा है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगेन टैगलाइन को ध्यान में रखिएगा, जहां पर अर्ज किया गया पीपल टू मेक फिटनेस देयर लाइफ स्टाइल, ताकि अपने जीवन शैली को वो बेहतर स्वस्थ बना पाए। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ पाएंगे आप। नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29th of August, ध्यान में रखिएगा। आपसे जीएस वाले पार्ट से भी, करंट अफेयर से भी सवाल पूछा जा सकता है। 29th of August टू ऑनर द लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद सिंह का, जो लेजेंड जिनको कंसिडर करते हैं हम कि भाई बहुत ही महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं हॉकी के, 29 अगस्त को हर साल वहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, उसी दिन हमने फिट इंडिया योजना की शुरुआत की। तो दो चीजों को ध्यान में रखेंगे, 29 अगस्त ध्यान में रखेंगे और मेजर ध्यानचंद सिंह का जो नाम है ये भी आप ध्यान में रखेंगे, और हॉकी के प्लेयर थे ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करेंगे, आइए आप देख भी पा रहे होंगे, इमेज है स्क्रीन के ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, यानी यहां तो हमने लॉन्च किया सबसे पहले, जो पिछली स्लाइड हमने देखी कि वे प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन फिट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया था। अब इसका महत्व क्या है, 29 अगस्त का महत्व है यहाँ पर कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं इस अवसर पर, इस ओकेजन पर ऑनर्ड करते हैं, सम्मान करते हैं किनको, उन सारे सारे एथलीटों को जो कि अलग अलग वर्गों में स्पोर्ट्स खेलते हैं। प्रेस्टीजियस खेल रत्न दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, और ध्यानचंद जी की इमेज भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो 29 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, ध्यानचंद जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जिनको कि हम ट्रिब्यूट देते हैं हॉकी एज अ लेजेंड्स के रूप में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कमेंट करके मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए
कि 2022 में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था? कमेंट करके बताइए 2022 में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क में कर रही हूं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे कि वाई, क्यों शुरू किया गया फिट इंडिया मूवमेंट, या फिर हम ये भी कह सकते कि नीड क्या थी, हम ये भी कह सकते कि इम्पोर्टेंस क्या थी, हम ये भी कह सकते कि भाई इसका एम क्या था। तो तीनों रूपों में, तीनों से भी, कहीं से भी अगर सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप उसका जवाब जो है अपने समझ को ध्यान में रखते हुए, एनालिटिकल थिंकिंग का प्रयोग करते हुए आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो नीड क्या है, इम्पोर्टेंट क्या, एम क्या है, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको टैगलाइन दिख रही होगी ऊपर WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट करके मुझे बताइए कि WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, और साथ में शुरू करेंगे कि भाई WHO कहता है कि फिट इंडिया को शुरू करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। WHO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं एक डेटा को निकाल करके बाहर लेकर आता है, आंकड़ों को लेकर के आता है, जो कहता है कि भाई वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल जो लेवल है हमारा, वहां पर स्तर पर चार में से एक वयस्क, यानी कि जो एक युवा है या फिर एक पर्टिकुलर एज का जो व्यक्ति है, पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं है, एक्टिवली बिहेव नहीं कर रहा है, सुस्त है। जबकि दुनिया के 80% से अधिक किशोर आबादी शारीरिक रूप से अपर्याप्त रूप से सक्रिय है। यानी कह रहा है कि भाई 80% क्या है, वर्ल्ड एडोलसेंट पॉपुलेशन इज इनसफिशियंटली फिजिकली एक्टिव। कहने का मतलब क्या है कि जिसको एक्टिव होना है वो एक्टिव नहीं है, जिसको एक्टिव नहीं होना है वो ओवर एक्टिव है। समझ रहे हैं आप इस बात को कि एडोलसेंट्स की एज कैसी होती है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसी एज है जहां पर कि हम बहुत तरीके की चीजों को फेस करते हैं, नए नए चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो वहां पर जो हमारे एडोलसेंट्स है वो ओवर एक्टिवली बिहेव कर रहे हैं, यानी कि जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो कह रहे कि भाई जो वयस्क है, जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, यहाँ पर जो पर्टिकुलर एज में जिस हम युवा की बात करते हैं कि भाई 25 से 26 साल का जो युवा है वो एक्टिवली, उसके अंदर इतना ज्यादा जोश होना चाहिए कि वो देश को बदल देने का यहाँ पर एक हौसला रखता है, उसकी कमी कहीं ना कहीं दिखती है। 80% की यहाँ पर बात हो रही, जो काफी बड़ी है, और सबको पता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर मोर ओवर 65% यूथ एग्जिस्ट करती है। तो पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ कहाँ एग्जिस्ट करता है, हिंदुस्तान में। तो 65% युवा देश में, जब यहाँ पर भाई 50% युवा एक्टिव ही बिहेव नहीं कर पा रहा है, तो आपके फिट इंडिया मूवमेंट का, आपके एजुकेशन का, हेल्थ का क्या फायदा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, यानी किसकी बात हो रही है, ICMR, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, द एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द डेथ्स ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में ज्यादातर मौतें होती हैं कहीं ना कहीं गैर संचारी रोगों के हिसाब से होती हैं, कारण होने वाली सभी मौतों का अनुमानित अनुपात कितना है, 1990 की बात की जा रही है 37% था, बढ़कर के 2016 में 61% हो गया, जो कि काफी बड़ा डाटा अपने आप में आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, इतना ही आपको याद नहीं रखना है, बस मोटा मोटा ध्यान में रखिए कि WHO का क्या वहां पर चीजें हैं, कैसे काम करे, डेटास को ध्यान में नहीं रखना है, छोड़ सकते हैं आप, बस एक जो है एक कह सकते हैं कि भाई एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे WHO और क्या कह रहा है। WHO अपने थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि WHO ने ये ब्लेम किया है कि जो हमारा अनहेल्दी डाइट है, यानी कि कुछ भी हम खाते हैं फास्ट फूड्स के नाम पर, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो अनहेल्दी डाइट है वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। अगर आपका खान पान ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई आपका आपका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा हो। कहीं ना कहीं क्या इंक्रीज क्या कर रही, इंटेंस हाई ब्लड प्रेशर को यहाँ पर बढ़ा रही है, ब्लड ग्लूकोज जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, एंड एलिवेटेड ब्लड लिपिड्स एंड ओबेसिटी की बात की जा रही है, यानी कि शारीरिक जो गतिविधि है उसमें कमी देखने को मिल रही है, और शरीर कहीं ना कहीं जो है कि फूलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बेवजह, जहां पर खाना कम खा रहे हैं लेकिन शरीर में जो मोटापे की समस्या या डायबिटिक की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या, वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट में WHO ये कह रहा है कि इनफैक्ट NCDS और जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है ये रिस्क फैक्टर की तरफ है, लीड टू बी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, जिसको हम हृदय संबंधी चीजों की बात करते हैं। आपने आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा कि भाई जिम करते हुए किसी को जो है हार्ट अटैक आ गया, वॉक करते हुए हार्ट अटैक आ गया, चेयर पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया, तो कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है, जो आप सबको पता है। तो बिहाइंड द प्री मेच्योर डेथ्स की हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के में जाकर के डेथ होना एक आम बात है, लेकिन 25 से 28 साल की उम्र में, 32 से 35 साल की उम्र में अगर डेथ हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय है ये।
आगे बात करेंगे WHO अपने फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है। WHO कहता है कि भाई हमने भारत में मधुमेह की एक बढ़ती चुनौती के रूप में मान्यता दी है, जहां अनुमानित 8.7% मधुमेह आबादी से 20 से जो 7 वर्ष की आयु के बीच यहां पर काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। आप एज ग्रुप देखिए, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहां पर 7 कर लीजिए, यहां पर 20 कर लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि भाई 7 वर्ष के बच्चों से लेकर के 20 वर्ष तक के जो हमारे युवा हैं उनमें भी डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही है, और रेट क्या है 10 में से 8.7%। फिर आगे हम बढ़ते कहते हैं कि भाई पॉइंट नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015 के हिसाब से जो हमारी NFSHS की जो टीम है वो कहती है कि 2015 और 16 के हिसाब से 11% जो विमेन है, महिलाएं हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक 10 में से कम एक महिला ऐसी है जिसको कि हाइपरटेंसिव के शिकार है, जिसको हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है, हाई ब्लड प्रेशर होना या फिर डायबिटीज होना, ओबेसिटी का शिकार होना, चिंताग्रस्त होना, डिप्रेशन में रहना। तो आप देखिए कि रेट कितना ज्यादा है, और कौन सा एज ग्रुप है ये, 15 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 49 ईयर्स तक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पर क्या कहता है आपका WHO, WHO कहता है कि भाई भारत में यानी GBD ग्लोबल डिजीज बर्डन, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रख लीजिएगा, कई बार आपसे GS वाले सेक्शन में, साइंस का सेक्शन में पूछा जा सकता है, 2015 में रैंक्स क्रॉनिक किडनी डिजीज एज द 8th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई डायबिटीज के बाद से 2015 का डेटा ये बता रहा है हमें कि किडनी डिजीज एक बहुत बड़ा कारण बनती नजर आती है बहुत ज्यादा डेथ्स का, हिंदुस्तान की यहाँ पर बात की जा रही है। डेटा को आपको ध्यान में नहीं रखना, बस समझ के लिए चीजों को पढ़ लीजिए। बेनिफिट्स ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट की क्या है, फिट इंडिया मूवमेंट का बेनिफिट्स क्या है, इसके ऊपर मैं बात करने से पहले एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ लेती हूँ। तो हमने क्या क्या जाना पहले ये देख लेते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को मैंने यहाँ पर 4 भागों में बांटा कि भाई यहाँ पर है क्या, व्हाट इज फिट इंडिया मूवमेंट, नीड क्या है, WHO क्या कहता है, और क्वेश्चन की फॉर्मेशन को मैंने बीच बीच में आपको बताते हुए मैं आगे बढ़ी। तो मैंने ये जाना कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, क्या है फिट इंडिया मूवमेंट, जरूरत क्या है उसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेकेंड स्लाइड में ये जाना कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए मेजर ध्यानचंद जी के जन्म अवसर पर हमने यहाँ पर फिट इंडिया मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने ये भी जाना कि इसका जो सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि 29 अगस्त को कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी लोग एथलेटिक्स में पार्टिसिपेशन करते हैं उनको जो है अवार्ड सेरेमनी या ऑनरिंग सेरेमनी के रूप में उनको जो है अप्रिशिएशन दिया जाता है। क्यों शुरू किया गया, तो नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एम की जब हम बात करते हैं तो WHO ने बहुत संकेत दिए हैं, मेडिकल रिसर्च सामने आई है, यहाँ पर बताया गया कि भाई युवाओं में कितनी ज्यादा जो है हार्ट अटैक से लेकर हाइपरटेंशन से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के डायबिटीज जैसी समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं, महिलाएं भी इस चीज से ग्रस्त है, वो भी पीछे नहीं रही है। तो ग्लोबली देखा जाए तो चिंता का विषय बनता ये नजर आता है। फिट इंडिया मूवमेंट का बेनिफिट क्या है, ये सवाल आपसे आदर्श नजर में पूछा जा सकता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या जरूरत है इसकी, सीधी सी बात है कि कह रहे कि द प्रोलिफरेशन यानी कि प्रौद्योगिकी के प्रसार से हमारे जीवन को बहुत आसान और बेहतर बना दिया है, लेकिन साथ ही इसमें से कई लोगों को गतिहीन जीवन शैली की ओर मोड़ दिया, यानी कि यूज ऑफ द मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, आपका डेटा, इंटरनेट, आजकल लोग रात रात भर डेटा चलाने के चक्कर में, फोन चलाने के चक्कर में मोबाइल फोन का यूज करते हैं। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा वो प्रभाव डालता है, लोगों का काम बढ़ गया है, आधे ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिस में लैपटॉप्स के बिना काम नहीं चलता है, मोबाइल फोन के बिना काम नहीं चलता है। हम मानते हैं कि वो चीजें हमारी नीड है, लेकिन बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हर एक चीज का अपना दोहरा पहलू होता है, उसके बेनिफिट्स भी हैं तो उसके नुकसान भी हैं। सो इसलिए अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट हमने इसलिए चलाया है ताकि टेक्नोलॉजी का भी यूज तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ को स्टेग्नेंट मत कीजिए, रोकिए मत, एक्टिविटी कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए ताकि आप हमेशा जो है तंदुरुस्त फील करें, एक्टिव फील करें, एक्सरसाइज कीजिए, योग के साथ जुड़िए, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। योग की बात हो रही है तो कॉमेंट करके मुझे बताइए कि 2023 में इस बार योगा डे जो वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है वो कहाँ मनाया गया, प्लेस का नाम और उसका थीम लाइन क्या था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा। और कंक्लूजन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार फिट इंडिया मूवमेंट सही समय पर शुरू किया गया एक ऐसा मूवमेंट है जो कि न सिर्फ परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज को भी प्रोत्साहित करता है हेल्दी रहने का, फिट रहने का और अच्छी लाइफस्टाइल जीने का, जो इसका बेनिफिट्स है, ठीक है। आई होप ये काफी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इतना पढ़ाने के बाद एक सवाल तो आपसे पूछना जरूर बनता ही है
तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि इसका सवाल का जवाब आप सब दे पाएंगे और जो भी सवाल मैंने बीच में पूछे हैं उसका भी जवाब आपको देना है। फिट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन कब, यानी कि जो आपका स्पोर्ट्स डे है यहाँ पर वो कब मनाया जाता है। अब देखेंगे 15 मार्च को, 10 जुलाई को, 10 दिसंबर को या 29 अगस्त को। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्पोर्ट्स डे मनाने वाले दिन किस लेजेंडरी का या फिर किस जो है रिस्पेक्टेबल स्पोर्ट्स खेलने वाले व्यक्ति का जन्म दिवस होता है। और आप ये भी बताएंगे कि वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और बीट द कंपटीशन पे मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के PDF। बाकी तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमेंट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन जरूर बताइएगा, जरूर यहाँ पर शेयर करेंगे और अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने वो कोशिश करेंगे यहाँ पर जवाब देने की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।